मुसाबाड़ी चौक में उस समय जाम लग गया जब लोगों ने एक विशाल अजगर को पेड़ से लिपटे देखा। वन मंडल अधिकारी दफ्तर के सामने लोगों को भीड़ इस तरह छूटी कि पुलिस को यातायात व्यवस्था संभालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल विशाल वृक्ष पर विशाल अजगर जिसने भी देखा उसके कदम ठिटक गए। देखते ही देखते वाहनों की कतार लग गई। अजगर को सामान्यतः जमीन पर पड़े या रेंगते देखना आम बात है, पर वह किसी पेड़ से लिपटा पड़ा हो तो उसे देखने में रोमांच की अनुभूति स्वाभाविक है। मौके पर भीड़ जुटी लोग आंखें फाड़ कर दृश्य देख रहे थे, पर अजगर को इससे कोई मतलब नहीं था। अजगर को आलसी और कामचोर भी कहा जाता है, इसलिए तो कहा भी जाता है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। इस घटना की सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को बहाल किया। वहीं स्नेक कैचर की टीम को बुलाया गया, जहां घंटों रेस्क्यू के बाद उसे पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। बाइट सर, अभी हमको सूचना मिली 112 के माध्यम से, हमको सूचना मिली और यहाँ के लोगों ने हमको इन्फॉर्म किया कि भैया एक अजगर पेड़ पे चढ़ गया है। तो हम बोले कि ठीक है, हमारी टीम रेस्क्यू टीम आ रही है और रेस्क्यू करने के लिए। बट जब तक हम यहाँ पहुँचे काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी थी, इसकी वजह से यातायात में परेशानी हो रही थी और यातायात के लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अजगर काफ़ी ऊपर जाके बैठ चुका है और उसको रेस्क्यू कर पाना उतने ऊपर में थोड़ा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए भी, क्योंकि उसके लिए भी खतरा है अगर वहाँ से गिर गया तो, और हम लोग के लिए भी खतरा था। तो हमने उसको क्या लगा वही छोड़ दिया है। कितना खाया पिया हुआ लग रहा है? उसके पेट ऐसा लग रहा है कि वो कुछ खाया हुआ है। कितना बड़ा होगा भैया? देखने से तो ऐसा लग रहा है करीबन वो 7 फीट के आसपास ही ऊपर होगा। जी आपका नाम बताएंगे? अरविंद जी, अभी यहाँ क्या देखा आपने? कहाँ पे है? कितना उत्सुकता है आप लोगों को देखने में? देखने में कष्ट तो नहीं है, डर भी है, यहाँ पे किसी को मारने कहीं ऊपर भी मिल जाए। कोरबा से मनोज यादव की रिपोर्ट।